नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय यहाँ महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के पास है, जहाँ पर राहुल भट्ट की हत्या ने एक आंदोलन सामने लाकर खड़ा कर दिया है। आज कश्मीरी पंडित यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से फिर से जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। पिछले 15 दिन से लगातार ये प्रदर्शन हो रहा है और सवाल बड़ा ये है, इनकी मांग यही है कि प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत जिन लोगों को नौकरियां मिली हैं उन्हें वापस लाया जाए और साथ ही साथ वहाँ की माइनॉरिटीज को संरक्षण दिया जाए। अपने घर में खंडित हूँ मैं, कश्मीरी पंडित हूँ, ये नारेबाजी लगा कर कहीं ना कहीं लगातार अपना रोष जता रहे हैं। पिछले 15 दिन से लगातार यह प्रदर्शन कर रहे हैं और अब बलि का बकरा, देश का हिंदू अब बलि का बकरा नहीं बनेगा। इस समय आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पर प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहा है और गुस्सा साफ तौर मायूसी भी है कहीं ना कहीं। राहुल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, लगातार सबके जिन जिन लोगों की हत्याएं की गई उन्हीं के नाम ले लेकर उन्हें याद किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये कहे के लगातार जिस तरह से टारगेट किली का सिलसिला जारी है अब नाकाबिले बर्दाश्त है और मासूमों की जान नहीं जाने देंगे और अब की बार नहीं झुकेंगे। लगातार आप देख रहे हैं इस समय अब कश्मीरी पंडित यूनाइटेड फ्रंट तैयार किया गया जिसके बैनर ये अब जद्दोजहद जारी है और यही डिमांड है कि हाथों में राहुल भट्ट जी की तस्वीर है। और इस समय आप अब यहाँ पे तस्वीरें साफ तौर पर देख रहे हैं और किस कदर चलिए इनसे जाने का प्रयास कर रहे हैं। सर पिछले 14 से 15 दिन के लगातार आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या प्रशासन की ओर से कोई आपसे बात करने रिप्रेजेंटेटिव आया सर? जी पिछले लगातार 15 दिन से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई प्रशासन? कश्मीर में सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा वीटीएट खराब हो गया है। कश्मीर में सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही है, वहाँ पे इवन पुलिस हमारे जो बड़े ब्रेव हमारे जो सोल्जर्स हैं जे एंड के पुलिस के लोग हैं उनकी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, वहाँ पुलिस स्टेशन में ग्रेनेड अटैक हो रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में जहाँ पे सिलेक्टिवली हमारे कश्मीरी पंडित बच्चे की शहादत होती है वो भी फर्स्ट क्लास जुडिशल मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में और कहीं पे उसकी पहले पहचान की जाती है, इन सब परिस्थितियों में हमारा पूरा कश्मीर पंडित समाज जो है वो बड़ा ही दुखी है, बड़ा अत्यंत परेशान है। वो चाहता है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन संज्ञान ले और कश्मीरी पंडित और बच्चों को कश्मीर घाटी से बाहर निकाले और इसको किसी भी तरह का प्रेसिडेंट इशू नहीं बनाए तब तक जब तक कि कश्मीर में परिस्थितियां इंप्रूव नहीं होती। आप यू शुड नॉट वेट, दी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन शुड नॉट वेट टिल सच टाइम वन मोर कश्मीरी पंडित बॉय और गर्ल इज हार्म बाय दिस मिस्चीवियस एलिमेंट्स। तो कश्मीर में तो मैं हमारे कश्मीरी मुस्लिम भाई अच्छे हैं लेकिन कुछ एलिमेंट कश्मीर में ऐसा है जो पाकिस्तान के बहस से इस तरह की बुजदलाना हरकतें करते हैं और ये एक बहुत बड़ा मसला बनेगा पूरे हिंदू समाज में, पूरे भारतवर्ष में ये बहुत बड़ा मसला बनेगा। आप इंतज़ार नहीं करिए कि वन मोर कश्मीरी पंडित इज़ हार्म, इंस्टेड आई वुड रिक्वेस्ट दैट यू मे इमीडिएटली पोस्ट देम। और जब तक आप इस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेंगे जितने भी सिक्योर्ड एकोमोडेशन आपके पास हैं वो गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं सिक्योर्ड एकोमोडेशन, आप इमीडिएटली कश्मीरी पंडित बच्चों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर लाइए, तहसील हेडक्वार्टर नहीं, आई एम टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर लाइए, श्रीनगर में लाइए प्रॉपर, उनको प्रॉपर सिक्योरिटी दीजिए। कम से कम ए बॉय और गर्ल व्हेन ही कम्स बैक फ्रॉम हिज ऑफिस शाम को 5 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक ही शुड फील सिक्योर्ड, ही हैज अ राइट टू फील सिक्योर एट हिज प्लेस ऑफ रेजिडेंस एंड इन हिज ऑफिस। हमारा राहुल भट्ट जो शहीद हुआ ये बाजार में घूम नहीं रहा था, ये ऑफिस में था। तो जब हमारी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट वहाँ ट्रीटेड हुई है तो गवर्नमेंट शुड नॉट शाई ऑफ, गवर्नमेंट शुड नॉट मेक इट अ प्राइड इशू।
in relocating these boys and girls outside Kashmir till such time favorable environment is created and government meets this agenda. Thank you very much. साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस तरह से लगातार अभी भी टारगेट किली का सिलसिला घाटी से शुरू है और कहीं ना कहीं अब नाकाबिले बर्दाश्त लगातार आए दिन मासूमों की जाने जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर पैकेज के था या मानेटी कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग वहाँ उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षा संरक्षण दिया जाए और वहाँ से निकाला जाए, क्योंकि एक SDM ऑफिस के अंदर एक कर्मचारी एक व्यक्ति अगर सुरक्षित नहीं तो खुद सोचिए कितना बड़ा एक सवाल या निशान खड़ा होता कि कौन लोग अपने आप को वहाँ सुरक्षित हो। लगातार जिस तरह से राहुल भट्ट की हत्या की गई, निर्मम हत्या की गई, वो भी SDM ऑफिस के अंदर जाकर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा करती है और वो भी आइडेंटिफाई करके। और पूरे कश्मीरी पंडित समुदाय में इस समय गुस्से और रोष और डर का माहौल है और यही मांग करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से, गवर्नर इंतजामिया से जल्द जल्द प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत और जितने भी कश्मीरी माइग्रेंट समुदाय के लोग वहाँ उन्हें जल्द से जल्द वहाँ से निकाला जाए या उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। अब देखना यह है कि इनकी आवाज़ लगातार पिछले 15 दिन से ये एक बैनर के तले कश्मीरी पंडित यूनाइटेड फ्रंट के तले ही अपनी मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि अब और नहीं मासूमों की जाने जाएंगी, अब नाकाबिले बर्दाश्त है। अब देखना यह है कि किस तरह से गवर्नर इंतजामी और यहाँ की सरकार कदम उठाती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़ी रहिए हमारे अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।